अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुबैर शारिक। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब सेफ्टी अथॉरिटीज़ के उस डिपार्टमेंट की वर्किंग बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत जिद्दत पैदा हुई, हादसात में कमी आई, वॉलेशन में कमी आई और कानून शिकन लोगों की गिरफ्त और मजबूत हुई। मैं बात कर रहा हूँ ETC डिपार्टमेंट की, जिसको इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सेंटर का नाम भी दिया गया। ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, किन स्टेप्स में काम करता है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो NPR कैमराज और स्पीड रडार्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करते हैं वॉलेशन को और सेंड करते हैं ई चलान सिस्टम। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है कि वॉलेशन आर कैटेगराइज अगेंस्ट ईच वॉलेशन टाइप इन सिस्टम। सिस्टम के अंदर वॉलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज हो जाती है। द थर्ड स्टेप, जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, वो इन वॉलेशंस की तमाम वॉलेशंस को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, व्हीकल नंबर चेक करते हैं, तमाम चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद अपनी मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ स्टेप, वेरीफिकेशन के बाद वॉलेशन जो है वो सेंड होती है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में। फिफ्थ स्टेप, दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप, और जो प्रिंटेड चलान्स आर हैंडेड ओवर टू जनरल पोस्ट ऑफिस। GPO को हैंडेड ओवर हो जाते हैं प्रिंटेड चलान डिस्पैचिंग के लिए। दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप। छठे स्टेप में GPO जो है वो तमाम प्रिंटेड चलान्स को जो वॉलेटर्स ने किए होते हैं वो टाइम फ्रेम 48 घंटे के अंदर भिजवा देता है। अगर पहली अटैम्प्ट में GPO जो है वो ना भिजवा सके तो 2 से 3 अटैम्प्ट में वो वॉलेशन वॉलेटर्स तक पहुँचा देता है। ये छठा स्टेप। उसके बाद हमारा सातवां स्टेप। सातवां स्टेप हमारा ये है कि चलान्स दैट आर नॉट डिलीवर्ड टू वॉलेटर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट एड्रेस और रॉन्ग एड्रेसेस आर रिटर्न बैक टू PSEA, कि जिनका एड्रेस मुकम्मल नहीं होता या किसी और वजह से चलान नहीं जा सकता, वो चलान जो है वो PSEA की तरफ वापस आ जाता है। दिस इज़ द सेवंथ स्टेप। उसके बाद हमारा जो आठवां स्टेप है, दिस इज़ द एट स्टेप, कि वॉलेटर्स देन सबमिट द चलान एट द डेजिग्नेटिंग बैंक ब्रांच। इनकी ब्रांचेस जो हैं स्पेशली BOP में जो है वो ई चलान सबमिट होता है, तो जिसकी घर से भी BOP ब्रांच करीब है वो अपना मुतलका ई चलान जो है वो BOP की ब्रांच में जमा करवा सकता है। दिस इज़ द एट स्टेप। और उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है वो ये है कि डिफॉल्टर्स आर बैक लिस्टेड इन सिस्टम एंड देयर व्हीकल्स आर इम्पाउंडेड टिल द पेमेंट ऑफ पेंडिंग चलान्स, कि जब तक वो चलान पे नहीं कर देते, अगर एक वॉलेटर ने वॉलेशंस करते ही जा रहा है और उसकी चालान की लिमिट बढ़ गई है तो उसकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, और तब तक वो ब्लैकलिस्ट रहती है या हिरासत में रहती है जब तक वो चालान को जमा नहीं करवा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं ETC डिपार्टमेंट के अंदर और बात करने जा रहे हैं ETC के सुपरवाइज़र शहजाद अल्ताफ से, जो हमें बताएंगे कि ई टिकटिंग चलान कैसे किए जाते हैं, कितनी वॉलेशंस होती हैं और किस तरह से वॉलेटर्स तक ये तमाम चीज़ें पहुंचती हैं। तो आइए बात करते हैं शहजाद अल्ताफ से। चलानिंग के स्टेप से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये ई चलान स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से काफ़ी जिद्दत आई है। पहले तो जस्ट आप देख सकते थे कि जैसे ही सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक आती थी कोई भी नहीं रुकता था, एक दरमियान में ही एक घमसान सा मच जाता था। फिर ये ई चलान आने के बाद इस तरह जिद्दत आई है कि लोगों का वक्त जो है वो भी बचना शुरू हुआ है, लोगों के अंदर इस चीज़ का शऊर उजागर हुआ है कि लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना मज़ीद उसको जो है वो फॉलो करना शुरू किया है, लोगों के फ्यूल कंजम्पशन जो है उसमें कमी आई है, वक्त जो है उसमें बचत आ रही है, एक जगह पहुँचने में जो ज़्यादा वक्त दरकार होता था उसमें कमी आई है। और बाकी जिस तरह आपने अभी पूछा है कि ई चलानिंग में कैसे स्टेप्स हैं, तो ई चलानिंग में सबसे पहले तो जो हमारे कैमरास लगे हुए हैं ANPR कैमरास, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जो कैमरास हैं, उसकी मदद से बिला तफरीक जितनी भी वायलेशंस हैं उनको कैप्चर करते हैं। पहला स्टेप ये है। उसके बाद फिज़िकली तौर पर ये जो कम्युनिकेशन अफसरान, पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान बैठे हुए हैं, ये फिज़िकली एक एक जो ई चलान है उसको चेक करने के बाद के आया कि उसके अंदर वायलेशन जो है बिल्कुल ठीक है, वायलेशन की जो तरीका है वो बिल्कुल दुरुस्त लगी हुई है वायलेशन, उसके बाद इसको वैलिड करते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस है प्रिंटिंग का। ये प्रिंटिंग होने के बाद बजरिया पाकिस्तान पोस्ट, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के एंड से हमें हमारे पास एड्रेस है, पता है, मोटरसाइकिल गाड़ी या जो भी गाड़ी है उसके मालकान का,
उस पर पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए ये भिजवाए जाते हैं चलान। ये ई चलान जस्ट सपोज अगर कोई वोलेटर है उससे उसने नहीं की वोलेशन और प्रिंटिंग एरर आया है या आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू एरर आया है तो उसकी कोई टाइम लिमिट तो ज़रूर होगी कि इतने टाइम लिमिट में वो रابطہ कर सकते हैं आपसे और कोई वैलिडिटी भी लाजमी हो। जी बिल्कुल, जो ई चलान हम भिजवाते हैं प्रिंट होने के बाद जो लोगों के पते पर जाता है उसके ऊपर बाकायदा इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि अगर आपने ये वायलेशन नहीं की या आपके ख्याल से आपको लगता है कि ये आपकी गाड़ी नहीं है या कोई और वजह है तो आप हमसे ड्यू डेट के अंदर अंदर जो आखिरी तारीख है चलान जमा करवाने की उसके अंदर अंदर बजरिया ईमेल हमसे रब्ता करें। सही, और ये जो वायलेशंस के पीक आज कौन कौन से हैं? देखें, क्योंकि शाम के औकात में ट्रैफिक का बहाव शहर के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उस दौरानिए के अंदर जो वायलेशन है उनकी तादाद बढ़ जाती है। मतलब आप कह रहे हैं जो वर्किंग आवर्स होते हैं 9 to 5 जो सुबह के औकात हैं इनमें तो आजकल तो वैसे भी कोविड के डेज़ हैं, स्कूल वगैरह में छुट्टी है, कुछ ऑफिस भी बंद हैं और रूटीन में सुबह के वक्त स्कूल कॉलेज के वक्त ऑफिस टाइमिंग में ज़्यादा होता था और शाम के औकात में 5 बजे से ऑनवर्ड अगर 8-8:30 बजे तक जाएं क्योंकि 5 बजे दफ्तर वगैरह जो दफातर वगैरह उनके बंद होने के औकात थे उसके बाद फिर मार्केट्स वगैरह बंद होती थी। अच्छा, ये जो चलान होता है बकायदा ये अकॉर्डिंग टू आपका कैमरा रिकग्नाइज़ करता होगा नंबर प्लेट को? जी जी, कि नंबर प्लेट कोई भी व्हीकल जो है वो नंबर प्लेट के अकॉर्डिंगली आप उसे कैप्चर करते हैं, लाइन क्रॉस होती है, रेड लाइन क्रॉस होती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो कैप्चर होता होगा। इससे हट के कोई और वायलेशंस हैं जो कि ई चलान देख रहा है? जी, 5 वायलेशंस के ऊपर ई चलान किए जा रहे हैं, उनमें ट्रैफिक लाइट की वायलेशन है, वन वे की वायलेशन है, रॉन्ग लेन रॉन्ग टर्न की वायलेशन है, ओवर स्पीड की वायलेशन है और लेन लाइन और ज़ेबरा क्रॉसिंग, ये पांच वायलेशंस के ऊपर जो हैं वो ई चलान किए जा रहे हैं। इन 5 वायलेशंस पे ई चलान हो रहे हैं जी, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो है किस वायलेशन की शरह ज़्यादा है? जी, शरह के लिहाज से अगर देखें तो ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन की शरह इन तमाम जो ई चलान है इनमें सबसे ज़्यादा है। सिग्नल चलान, और वैसे एक हद तक दिन में कितने चलान कर दिए जाते हैं? जी, एक हद तक तो 8,000 से 10,000 ही चलान किए जाते हैं एक हद तक। सही है, तो इसका फिर प्रिंटिंग में टाइम लगता है और चलान मिसाल के तौर पे अगर आज हुआ है तो वॉलेटर तक वो चलान कितने दिन में पहुंच जाए? जी, अगर तो वॉलेटर का तहल्लुक जो है वे लाहौर शहर से है तो वो फिर एक दिन के अंदर ही उसको मौसूल हो जाएगा। लाहौर शहर के से हट के लाहौर शहर? जी बिल्कुल, लाहौर शहर से हट के पूरे पाकिस्तान में ई चलान जाते हैं जो भी गाड़ी का एक साइज एंड से हमारे पास रिकॉर्ड आता है। अच्छा, ये ई चलान जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है? जी, वेरी नाइस। ये ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर होता है, लाहौर शहर तक जहाँ तक ताल्लुक है एक दिन के अंदर चलान वायलेटर को मौसूल हो जाता है। अगर उसके अलावा आप देखें जो दूसरे शहर हैं उनमें 2 दिन लग जाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से जो डाक के ज़रिए जाता है तो उसमें तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। किसी ना किसी वजह से अगर वो उस मुद्दत में चलान सबमिट नहीं करवा सका तो उसका अगर कोई वैलिड रीज़न होगा तो वो थ्रू मेल आप तक एक्सेस करेगा, तो आप उसको एक्सटेंशन पीरियड कितना देते हैं अगर उसका रीज़न वैलिड हुआ तो? जी, अगर वैलिड रीज़न है कोई डोमेस्टिक इशू की वजह से या किसी और ऐसी वजह की या कोई किसी मजबूरी की वजह से वो दौरानिए के अंदर अपना ई चलान जमा नहीं करवा सके तो उनको फिर 7 दिन की मोहलत मजीद दी जाती है कि वो उसमें ई चलान जमा करवा लें कोई बग़ैर किसी इजाफी जुर्माने का। आए नाज़रीन, अब हम आपको ई चलान का फॉर्मेट दिखाते हैं और बताते हैं कि ई चलान कैसे दिखता है। जैसा कि ये ई चलान आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ई चलान फॉर्मेट के अंदर सबसे ऊपर तो गाड़ी का नंबर, उसके बाद वायलेशन लिखी जाती है कि किस कौन सी वायलेशन के ऊपर इनको ई चलान जारी किया गया, जुर्माना आता है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि आखिरी तारीख जो ड्यू डेट है वो मेंशन होती है, उसके नीचे जुर्माना, मालिक जो गाड़ी का मालिक है उसका नाम होता है, वल्दियत, वायलेशन करने की जगह जहाँ पे उन्होंने वायलेशन की है, वायलेशन की तारीख और वक्त भी इसके ऊपर जो है लिखा होता है। उसके अलावा गाड़ी की तमाम डिटेल्स होती हैं कि मॉडल कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, उसका रंग कौन सा है, चेसी नंबर, इंजन वगैरह, ये दीगर मालूमात इसके ऊपर दर्ज होती हैं। अफर्म्ड आईडी जो हमारे अफसर ने इसको वैलिड किया है, इसको चेक करने के बाद वैलिड किया, ये उनकी डिटेल है। उसके बाद गाड़ी की मुकम्मल डिटेल्स आती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इनके जो टोटल चलान्स हुए हैं उनमें से इन्होंने अब तक कितने अदा कर दिए हैं और कितने इनकी तरफ वाजिबुल अदा हैं, वो उन चलान की डिटेल होती है। चलान किस तारीख को जारी किया गया है और चलान जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है वो भी चलान के ऊपर दर्ज है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि 4 तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी है, वो किस तरह वायलेशन कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है ये सिग्नल क्रॉस कर रही है, सिग्नल रेड है, ये आप
बआसानी देख सकते हैं कि सिग्नल रेड है और वो सिग्नल उन्होंने वायलेट कर दिया। अगर उसके नीचे आ जाएं, नीचे फिर एक दफ़ा जो गाड़ी का मालिक है उनका नाम और उनका जो पता है वो मैं नीचे दर्ज होता है। जैसा कि इन तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो भी गाड़ी वायलेशन करती हुई हमें नज़र आ रही है, जब ये चलान भिजवाया जाता है तो जो भी गाड़ी का मालिक है या जिसने वायलेशन की है उसको किसी किस्म का कोई शुबा नहीं रह जाता। तमाम चीज़ें उनके सामने यहाँ हो जाती हैं कि आया कि ये उनकी ही गाड़ी है। अगर उनको किसी किस्म के कोई तहफ़ात हैं कि ये गाड़ी उनकी नहीं है या नंबर गलत दर्ज हो गया है, गलती से कोई नंबर में मसला आ गया, तो वो बज़रिया ईमेल हमसे रابطہ करते हैं। रابطہ करने के लिए बकायदा आप देख सकते हैं कि ई चलान पे ये मेंशन किया गया है कि अगर आपने ये वायलेशन नहीं की तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ड्यू डेट से पहले पहले और चलान जमा करवाने से पहले, ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि चलान जमा करवाने से पहले रابطہ करना चाहिए, इसको रिव्यू करवाने के लिए हमसे रابطہ कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं किस वजह से उनको ई चलान दुरुस्त नहीं लग रहा। और अगर उन कि जो कही हुई बात है या अगर उनकी की हुई वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर ई चलान को कैंसिल कर दिया। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि ई चलान का क्या फॉर्मेट है, ई चलान कैसे होता है, किस तरह से वॉलेटर तक चलान पहुंचता है और किन किन वॉलेशंस पे ये चलान किया जाता है, इन तमाम बातों का खुलासा आज हमने इस अपने प्रोग्राम में किया। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ुबैर शारिक, सेफ़ रहिए सेफ सिटी के साथ, अलविदा।